मेरा नाम है छाया प्रतिभा खेलवार, आप लोगों की बेलाजी फिकल्टी स्वागत करती हूँ आपके अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस पर। तो बच्चों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेटेजी के ऊपर, यानी कि आप अपनी स्ट्रेटेजी किस तरीके से करेंगे, क्योंकि एग्जाम बोर्ड के हैं भाई और थोड़ा से हम हैं प्रेशर में, तो हमको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। तो सबसे पहले भाई, किसी भी बोर्ड एग्जाम्स को जब बोर्ड एग्जाम आता है ना, तो ऑटोमेटिक बोर्ड का जो टैग लगता है हमारे दिमाग में, है ना, तो बोर्ड का जो टैग लगा हुआ है, तो उसको आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की जगह बोर्ड ऐसा नहीं समझना। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, आपको एक प्लानिंग बताने वाले हैं कि बोर्ड एक मंथ बचा है, मात्र एक महीना, बोलते ना एक चुटकी, है ना, तो बस एक महीना ही बचा और एक महीने में बोर्ड एग्जाम्स की आपको तैयारी करनी है। तो मेरे साथ आप बहुत ही कम समय आप तैयारी करोगे। तो चलिए भाई, एक किसी भी एग्जाम्स को जब पेपर है हमारा, एक महीने बचे हुए हैं, तो एग्जाम्स में एक महीने में आप प्लानिंग कैसे करेंगे? तो प्लानिंग भाई, आप कहीं भी जाते हो, है ना, जैसे मैं भी उज्जैन गई थी घूमने के लिए, ठीक है, तो मैं क्या करी, एक प्लानिंग के साथ गई। अगर मैं ऐसे ही चले जाती भाई, मैं जाते जाते ऑटो में थोड़ी ना मुझे जाना है, मुझे प्रॉपर अपने पास एक पैसा रखना है कि कितने पैसे तक खर्चा हो जाएगा, मुझे ट्रेन टिकट कटवानी है, क्या लेके जाना है, कैसे पहुंचना है, वहां क्या करना है, एक प्लानिंग के साथ, है ना। अगर मैं उज्जैन गई भी हूं तो मैं एक प्लानिंग के साथ गई हूं। आपको भी अगर कहीं गोवा हुआ जाना है तो आप प्लानिंग के साथ जाओगे। पता चला आपके पास में सिर्फ कम पैसे हैं, कूद गए, जा गए, वहां चले गए, लेकिन आपको पता ही नहीं है वहां का क्या क्या करना है। तो प्लानिंग करके यदि किसी चीज को करोगे तो आपको बड़ा मजा आता है। करोगे कि नहीं करोगे? करोगे, मेरे को पक्का पता है, आप लोग मेरे साथ करोगे प्लानिंग। तो बायोलॉजी जो कि कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का है, तो आज उसकी स्ट्रेटेजी हमको देखनी है। उसके पहले हम क्या देखने वाले हैं, पहले यहां पर ध्यान दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स और है हमारे पास बड़े बड़े से डेंजर वाले सब्जेक्ट जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए तो टेंशन फ्री रहो, लेकिन है तो तीन मुख्य सब्जेक्ट हैं ये चीज, ठीक है। मेन सब्जेक्ट है आपका क्या, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, और हमारी स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई है, ठीक। तो बोर्ड का प्रेशर और बोर्ड का एग्जाम बहुत ज्यादा जाता है, तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स तो हमें रुला देता है रे। तो चलो भाई, स्टार्ट करते हैं यहां पर कि बोर्ड एग्जाम्स को हम कैसे अपनी प्लानिंग के साथ, अपने की स्ट्रेटेजी के साथ कैसे तैयार करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। तो हमको क्या चाहिए? सक्सेस। तो सक्सेस चाहिए भाई, तो क्या करोगे? सक्सेस के लिए क्या करना पड़ता है? एक हमको सक्सेस की चाहिए, क्योंकि सक्सेस चाहिए तो उसके लिए मुझे उसकी चाबी भी तो चाहिए ना रे। तो चाबी हमारे पास है, और उस सक्सेस की सीढ़ी मैं आप लोगों को पार कराऊंगी। डन है, श्योर है, आप अपनी स्ट्रेटेजी मेरे साथ ही बनाओगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपको ऐसे ही बैठ के लिखना है, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम सीरीज मिशन 2023 में 12th बायोलॉजी के बच्चे हो और बायोलॉजी के स्ट्रेटजी हमारे साथ फोकस करने वाले हो, जिसमें आपको मिलने वाला है 70 में 70। जी हां, घबराइए नहीं, मैं हूं जो कि 70 में 70 एक महीने भी पढ़ के आप ला सकते हो, तो घबराने की बात नहीं है। चलिए, तो कक्षा 12वीं जीव विज्ञान अध्याय 16, इस पे हम बात कर चुके हैं, ब्लूप्रिंट में मैंने सारे कुछ बताया है। तो नहीं देखे होगे तो जाके पहले ब्लूप्रिंट चेक करोगे, उसके बाद इसमें आओगे, ठीक है। तो यहां पर पांचों यूनिट इकाई एक में जो हमारे कितने हैं, 14 अंक के क्वेश्चन आते हैं, इकाई दो में हमारे 18 अंक आते हैं, ठीक है। तो यहां पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगी, क्योंकि ब्लूप्रिंट में मैंने सारा बताया है ना। तो इकाई तीन में 14 अंक और इकाई फोर में 10 अंक, इकाई पांच में 14 अंक। तो सबसे पहले आते हैं हम पेपर में लिखने का तरीका भाई, स्ट्रेटजी हमारी। तो मैं आप लोगों को कैसे बताने वाली हूं, पहले ये सुनिए। सबसे पहले हमको पता है हमारे बायोलॉजी में क्या होता है भाई, हमारे बायोलॉजी में होता है 70 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। 70 अंक लाने हैं, आप कहां से लाओगे? सोचो कि ये 70 आप कैसे ला सकते हो। तो 70 आप कैसे लाओगे बच्चों? सबसे पहले ध्यान देना है क्या, एक अंक वाले क्वेश्चन। हमको पता है हमारे में क्या आता है, एक तो एक अंक वाले क्वेश्चन आते हैं, दूसरा दो अंक वाले क्वेश्चन आते हैं, तीसरा तीन अंक वाले क्वेश्चन, चार
और पांच, तो हमको पता है कि एक अंक वाले तो एक ही लाइन में खत्म हो जाते हैं, ज्यादा दिमाग अपन लगाएंगे क्या? नहीं, तो हमको ज्यादा सोचना नहीं है। एक अंक वाले एक लाइन में खत्म करो, दो अंक वाले आ गए दो लाइन में खत्म कर दो, तीन वाले आ गए थोड़ा सा जितने वर्ड शब्द दिए उतने में खत्म कर दो। अब आते हैं तीन चार पांच की ही अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज आता है हेडर। तो आता है तो क्या आता है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो भाई हमारी स्ट्रेटेजी पेपर में लिखने का तरीका, सब लोग भोंदू बन जाते हैं यहाँ पर क्या कि भाई साहब आया है पेपर में क्या, बोला डायग्राम बना दो, है ना, सिर्फ लिखा है क्या एक क्वेश्चन में कि डायग्राम बना दो। तो एक बच्चे ने क्या किया, क्योंकि मैं बच्चों की पेपर जब चेक करती हूँ तो मुझे हंसी आती है, भाई साहब बोला सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है कि डायग्राम बनाओ, कथा मत लिखो, है ना। तो वहां पर क्या एक बच्चे किया है, वहां पर मैंने पेपर चेक किए तो डायग्राम बना के उसको आता तो पूरा था, होशियार डेढ़ होशियार, है ना, कुछ लोग डेढ़ होशियार होते हैं, तो लोग क्या किए पूरा लिख दिए, है ना, वो क्या कर दिए डायग्राम बहुत सुंदर सा बना के उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अरे चेक करने वाला भाई साहब, आपको सिर्फ डायग्राम पूछा है ना कि आपको लिखने का पूछा है, लिखो मत डायग्राम, जो पूछा वो करो ना भाई, आप क्यों योद्धा बनने रहे हो एकदम कि हाँ मैं सब कर लूंगा, ये नहीं करना है बच्चे यहाँ पर, क्योंकि 70 नंबर पाने हैं, टाइम ड्यूरेशन 3 घंटा, ऊपर से 15 मिनट तो वैसे भी हम निकाल देते हैं, उतना बच्चा डायग्राम सुंदर सा चित्र बनाना है, नाम लिखना है, लिखना भी है। तो सबसे पहले यहाँ पर पेपर में जो लिखने का तरीका है बच्चे, तो पेपर के लिखने के तरीके के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होता है, हमको भी पता है कि ये जो डायग्राम है बच्चे, डायग्राम बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। मतलब अगर मैं एक पेड़ की बात करूं तो पेड़ का जो हमारा जड़ होता है, जड़ ही है वो डायग्राम, बिना जड़ के वो बड़ा सा पौधा उग जाएगा क्या, पेड़ बन जाएगा क्या, ट्री बन जाएगा क्या, नहीं, इम्पॉसिबल है। सेम वही चीज है क्या, डायग्राम, ठीक है, ये हमारी माँ है, कक्षा 12वीं में जो जीव विज्ञान है या जीव या बायोलॉजी की किसी भी टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो डायग्राम हमारी माँ है भाई साहब, इसको ध्यान दो प्रणाम करो, आपको बनाना ही पड़ेगा, बिना डायग्राम के आप कुछ नहीं कर सकते। कब, जब पूछा गया है कि समझाइए जिसमें है डायग्राम। ज्यादातर हमारे क्वेश्चन जो आते हैं 3, 4 और 5 नंबर के बिना डायग्राम के आपको देंगे क्या बताओ, आप खुद ही सोचो, आप खुद एक बायोलॉजी के टीचर हो, आपको क्या करना है, हमको डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम पे हम ज्यादा फोकस करने वाले, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी है जीव विज्ञान जो मैं पढ़ाती हूँ उसमें मैं बिना डायग्राम के कुछ नहीं करती, ठीक है। तो मैं आपको पूरा डायग्राम के साथ बताने वाली हूँ, कुछ आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी, टेंशन नॉट। आगे देखते हैं फ्लो चार्ट की हम बात करेंगे भाई साहब। तो फ्लो चार्ट, अब देखो एक क्वेश्चन आया था और एक बच्चे ने क्या लिखा, भाई साहब फ्लो चार्ट आप समझ रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट चीज है फ्लो चार्ट। अगर मुझे, अब एक बात बताओ, हर कोई एक जैसा पेपर लिखेगा भाई, जो पूछा फटाफट लिख दिया, लेकिन थोड़ा अगर मुझे अट्रैक्टिव बनाना है किसी भी आंसर शीट को, लगे कि आने मतलब आगे का ना पढ़ के सामने का ही देख के चेकर जो है नंबर मुझे दे दे, तो मुझे क्या करना है, थोड़ा सा तो स्मार्ट तो बनना पड़ेगा ना भाई। मैं स्मार्ट बनने के लिए लिपस्टिक लगा लेती हूँ, आप स्मार्ट बनने के लिए क्या करोगे, यहाँ डायग्राम के साथ फ्लो चार्ट, भाई साहब फ्लो चार्ट आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्लो चार्ट बहुत अच्छा चीज होता है क्या, किसी भी आंसर को अट्रैक्ट बनाने के। तो मैं वो चीज आपको बताने वाली हूँ फ्लो चार्ट के माध्यम से आंसर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है बच्चों कि बहुत सारे पेपर में बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, लिखा तो सब जाता है लेकिन वो क्या करते हैं पूरा पैराग्राफ में, अरे भाई कहानी नहीं पूछा है कि मम्मा दाई ने क्या किया, है ना, नानी ने क्या लिखा, ये नहीं पूछा है, उसमें पूछा है क्या जो आप लिख रहे हो उसको पैराग्राफ में ना करके पॉइंट से लिखो ना भाई, साफ सुथरा बढ़िया अच्छा भी दिखता है। वो भी मैं टेक्निक बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आंसर लिखा जाता है, ठीक है। तो पॉइंट वाइज आंसर होना चाहिए आप लोगों का, देन है आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करेंगे जहां पर लगता है कि एग्जाम्पल की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्पल 2 नंबर वाले क्वेश्चन में 3 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो यहां पर, और हम लास्ट जो यूनिट है 5th यूनिट, वहां पर हम एग्जाम्पल से ही ज्यादा पढ़ने वाले हैं, तो ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे साथ आप पढ़ोगे तो ये चार चीजें हैं, यानी कि डायग्राम
प्लस फ्लो चार्ट, देन आपका पॉइंट वाइज एंड एग्जाम्पल। मैं इसी मेथड से ही पढ़ाती हूँ क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी तो यही है पढ़ाने की, क्योंकि मैं बिना डायग्राम के नहीं पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बच्चा जो है देख कर कुछ ड्रॉइंग बना के भाई रंगोली सीख लो, क्या दिक्कत है, रंगोली तो है ना। तो रंगोली बना करके आप अच्छे से सीख सकते हो, डायग्राम को मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चार चीजों को आपको पेपर में लिखने के समय 3-4-5 अंकों के लिए याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो याद रखेंगे जीव विज्ञान के बच्चे कैसे नंबर पाते हैं, इसी मेथड का यूज करते हैं वो। इस मेथड का यूज नहीं करोगे तो आपको अच्छे अंक जो है नहीं मिल पाएंगे। तो भाई देख लो भाई, चेकर ऐसे ही चेक करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट जो है आपका क्या, यदि आपको यूनिट में जैसे यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 है, तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या, मैं जैसे मैं पहले भी बोली डायग्राम, तो आप डायग्राम तो देखते हो, हम क्या करते हैं बनाते, बनाने का तरीका भी मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तरीका तो मैं बता दूंगी लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिना प्रैक्टिस के नहीं बनता है। किसी भी चीज को करने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है क्योंकि समय हमारे पास क्या है, कम है ना। तो चलो ये डायग्राम जो है वो आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां से मैं जो कि कराने वाली हूं अभी 1 मंथ में, तो यहां से दो ये 5-5 अंक वाले क्वेश्चन, इसलिए मैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को डाल दी हूं, यहां 5 अंक के प्रश्न यहां से डन है, वो पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, हम इस चैप्टर से भी ध्यान देने वाले हैं जो कि फर्स्ट यूनिट का ही है, प्लांट से रिलेटेड, ह्यूमन से रिलेटेड, फर्टिलाइजेशन, ये सारे टॉपिक हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं। देन सेकेंड यूनिट में जो हम देखने वाले हैं डायग्राम से, वो डीएनए के बारे में पूरा रहेगा, मेंडल्स लॉ के बारे में, तो बहुत ही मजेदार तरीके से मैं पढ़ाऊंगी, टेंशन नॉट है। एक महीना बचा हुआ है, एक महीना में सारी स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से मैं सब करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं डायग्राम देन फ्लो चार्ट आपको एक आंसर शीट भी मैं कोशिश करूंगी इसमें लिख करके आपको यहाँ पर डाल दूं, आपको दिखा दूं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप कमेंट करो भाई, कमेंट करोगे आप लोग बच्चों तब मैं उस पर ध्यान दूंगी और आप लोगों के लिए मैं भी मेहनत करती जाऊंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हमारा यूनिट जो थर्ड है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, आप डिसीज के बारे में, एड्स से है, कैंसर रोग, इसके बारे में हम देखने वाले हैं, पूरी बीमारी के बारे में हम कुछ देखेंगे, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग होता है इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं कि भाई ये बैक्टीरिया क्या किया, इस बैक्टीरिया से क्या होता है, तो ये चीजें भी हमारे स्ट्रेटेजी में रहेगी। मैं बता रही हूं ना, आप पढ़ना जो होता है बायोलॉजी बहुत ईजी है, आपको सबको पता होगी कि बायोलॉजी में सब लोग सोचते हैं हाँ हम तो कर लेंगे, लेकिन करने के लिए क्या चाहिए, है ना, करने के लिए तो हमको थोड़ा सा मेहनत चाहिए और हमको क्या चाहिए, थोड़ी हमारी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, जबकि हमारे पास समय तो सिर्फ 1 मंथ है, ठीक है। तो 1 मंथ में फोर्थ यूनिट की हम बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग में, तो यहां से डन है, 4 नंबर के क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। तो 4 अंक में ज्यादातर कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि इतने साल से जो मैं देख रही हूं पेपर, इससे बाहर का आया ही नहीं है, ठीक है। तो वो मैं आप लोग को बताने वाली हूं, क्या डायग्राम डालना है, क्या इसमें लगेगा, वो सारी स्ट्रेटेजी मेरी रहेगी, मेरे पढ़ाने का तरीका ही कुछ अलग ही रहता है, ठीक है। तो यहां पर हम कुछ चीजें एनिमेशन से भी दिखाएंगे और यहां पर हम 3D इमेज भी डालने वाले हैं, आपको लगेगा कि सच में वो चीजें आपके सामने हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आता है इकाई 5 में, अगर हम बात करें इकाई 5 की, तो इसमें पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण के बारे में जो कि बचपन से हम पढ़ते जा रहे हैं, वो उसको कौन खाया, इसको ये खाया, इसको वो खाया, मतलब हम खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, घास का पारिस्थितिक तंत्र, जल का पारितंत्र, ये दुनिया भर के हम पारितंत्र जो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ आप पूरे डायग्राम के साथ ही पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है आपका, हमारा स्ट्रेटजी में जो मैंने कहा था कि अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए तो एक तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है, और कमेंट के साथ ही आप वहां पर लाइक भी करेंगे और साथ ही साथ सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। आशा करती हूँ सब लोग मेरा साथ दोगे और जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताओ कि भाई मैडम इस टॉपिक से आपको समझ नहीं आ रहा है, मैडम ये टॉपिक आपको नहीं क्लियर हो रहा, तो फिर आप मुझे मैसेज करें, आप मुझे कमेंट में कर दें, तो मैं वहां पर आपकी बात को रख लूंगी, ठीक है। तो आपको अगर पूरा डिटेल पढ़ना है तो हमारे पूरे टीचर्स तो हैं ही सारे सब्जेक्ट वाले, और साथ ही साथ आपको पूरा डिटेल मेरा टॉपिक पढ़ना है तो आप मेरे www.abhipsha.in पर जाकर के
लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही साथ गूगल प्ले पर आपके एप्लीकेशन जो है अभिप्सा उसको भी डाउनलोड करें, पूरा चीज वहां पर मिल जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।